देखो रणवीर पुत्र, शादी अभय की हो रही है, इसलिए शादी में अभय की राय लेना बहुत जरूरी है। अभय की राय बाबूजी? मैं अभय का पापा हूं बाबूजी, उसका दुश्मन नहीं। और मेरे वादे का क्या? रणवीर, सवाल दोस्ती या दुश्मनी का नहीं है। आज जब अभय उसे मेरे पास आए और उन्होंने इस बात का जब जिक्र किया तो मुझे मालूम पड़ा कि ओ, तो इन दोनों ने आकर आपको ये बात बताई है। लेकिन उनका अच्छा बुरा हमसे बेहतर कौन जानता है बाबूजी? रमा मुझे एक बात बताओ, तुम्हें लाजवंती कैसे लगी? जी वो अच्छी लगी या नहीं? अच्छी लगी। उमा बेटा, तुम्हें तुम्हारी भाभी कैसी लगी? पसंद है पापा। सुनो जी, लाजवंती सुशील है, घरेलू है, और सबसे बड़ी बात तो रणबीर के परिवार के लायक है। मुझे तो बड़ी पसंद है जी। सुन लिया आपने बाबूजी, आपके और अभय के अलावा इस घर में सबको लाजवंती बहुत पसंद है। तुम लोग मेरे बात को नहीं समझे। मैं भी मानता हूं कि लड़की सुशील है, अच्छी है, लेकिन जब अभय मुझे 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 एक बात बताइए बाबूजी, क्या मम्मी जी और रमा ने इस घर को ठीक तरह से नहीं संभाला? इन्होंने इस घर को अपने प्यार से बांध कर रखा है बाबूजी। हाँ, मुझे पूरा यकीन है, पूरा विश्वास है कि लाजवंती इस घर को खुशियों से भर देगी। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन रणबीर, अब जमाना बदल गया है। सॉरी पापा। और इस घर में सिर्फ और सिर्फ लाजवंती बहू बनकर आएगी, और वो आएगी।